हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। जैसे कि आपको मेरे ब्लॉग के नाम से पता चल गया होगा कि ये मेरा ब्लॉग किस टॉपिक पे बना है, तो ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम हम लोग जो है ब्लॉग नहीं बना पाए थे, तो कुछ सामान हमारा रह गया था, तो मेरे हस्बैंड चले गए थे लेने के लिए। तो उस सामान में वो कुछ ऐसी चीज लेकर आए हैं जो हमने पहले नहीं इस्तेमाल की है। इससे पहले तो हम लोग तो बाहर से ही वो खाते आए हैं, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने रेडीमेड बनाया है। वैसे तो मैंने बनाया है बट वो रेडीमेड वाला अब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। तो वो मैंने क्या बनाया है तो देखिए मेरे इस व्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये मेरे हस्बैंड जो ग्रॉसरी का सामान लेकर आए थे ना, वो सब चीज़ें मेरे को दिखा रहे हैं निकाल के कि मैं ये सब चीज़ें लेकर आया हूँ। ये केचप है हाइंस का, कुछ मिठाई भी लेकर आया, मतलब मीठा कभी कभी खाने का मन करता है ना जैसे खाने के बाद, तो ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत ले आते हैं मीठा। ये बेटी के साबुन, मतलब बेटी का अलग लेके आते हैं वो। सामान तो ले आए थे वैसे काफ़ी कुछ हम लोग, लेकिन वो थोड़ा बहुत रह गया था तो उन्होंने कहा चलो मैं ले आता हूँ, तो वही सब निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए शैम्पू वो नहीं लेकर आए जो मैंने मंगवाया था। अब यही होता है ना कि हम लोग जाते हैं ना तो हम लोगों को पता होता है कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए, क्योंकि किचन का मोस्टली सामान औरतों को पता ही होता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट हैं, वो सारा पूरे घर का ध्यान रखते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जो मुझे नहीं पता होती। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जब सामान खरीदते हैं तो कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें ही पता हो। ये देखो ये गोलगप्पे दिखा रहे हैं, रेडीमेड गोलगप्पे हैं, और जो मैंने कभी नहीं मतलब बनाए हैं ना कभी इस्तेमाल किया है, ये फर्स्ट टाइम ये लेकर आए, तो बोल रहे थे कि बना के देखना ही कैसा है ये। ये देखिए सब कुछ उसके अंदर रेडीमेड ही है, ये पाउडर फॉर्म में है सब कुछ पैकेट, वो निकाल के दिखा रहे हैं इसमें। ये देखिए बना कर देखूँगी मैं कैसे बने हैं तो पता चलेगा। देखिए सारा सामान मैंने कहा कि उसको डब्बे में वापस बंद करके रख दो, बनाएंगे बाद में देखेंगे कि कैसा बनता है। उस टाइम तो टाइम नहीं था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। ये रखा उन्होंने, एक एक सामान ना मुझे मतलब दिखा रहे थे कि हाँ भाई देखो मैं ये लेकर आया हूँ और ये चीज़ है वो। वैसे तो ये देखो आयुष मेरा बैठा वहीं बैठा हुआ है, वो उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी ख्याल रखते हैं पूरे घर का, हमारा सारी चीज़ों का, उनको सारी चीज़ों का पता होता है। कई बार तो ऐसा होता है कई चीज़ें तो मुझे याद नहीं रहती हैं और उन्हें याद रहती हैं, और वो फिर भी ले आते हैं अगर कितना भी टाइम बीत जाए, लेकिन उन्हें याद रहती है कि मुझे हाँ भाई इसने मुझे वो लास्ट टाइम ये चीज़ बोली थी तो मुझे लेकर आनी है, तो वो ले आते हैं। और आजकल देखिए डेंगू कितना हो रहा है कि हद से ज़्यादा मच्छरों से परेशान है, तो ये लेकर आए थे। ये फेस वॉश मतलब अपने हिसाब से उनको जो ठीक लगा घर के लिए जैसा भी उनको सब ले आए वो। ये बिस्किट उन्हें बहुत पसंद है, ये हमेशा लेकर आते हैं, हम लोग नहीं खाते लेकिन वो अपने लिए ज़रूर ले। ये देखिए ये सूप ले आए, मैंने बोला भाई ये सूप क्यों लेकर आए हैं, मतलब सर्दियों में ज़्यादातर अच्छा लगता है ना सूप। और ये इमली के पैकेट, इमली का पेस्ट, एक्चुअली मेरे को ना ये वाला जो मदर रेसिपी का इमली का पेस्ट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने और भी ट्राई किया है, वो बहुत काले काले से हो जाती हैं, पूरी दाल में डालो या सांभर में डालो बहुत काला हो जाता है, ये मुझे पसंद है। तो ये मिल गए, काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहे थे अब मिल गए। ये मेरे बिस्किट डाइजेस्टिव वाले, ओहो ये कलर, ये देखो मेरी बेटी आई और चली गई, बहुत कैमरे पे आना नहीं चाहती, कैमरा शाय है। ये देखो ये मेरा कलर ही मतलब गलत ले आए, जो मंगा था वो तो मांगा नहीं। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि अपनी चीज़ों का ध्यान हमें खुद ही रखना होता है कि हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए। अब आदमी से छोटी मोटी तो गलती हो ही जाती है, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, इतना सारा तो वो मैक्सिमम काम मेरा कर ही देते हैं, इतना भी मेरे लिए बहुत है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि वो लेकर आए। ये देखिए ये बेटे के लिए, मतलब जिसके लिए जो चीज़ लेके आते हैं वो ज़रूर मुझे दिखा के बोलते हैं कि ये उसके लिए है ये उसके लिए है,
और अच्छा लगता है बहुत। मतलब ऐसे मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इतना कॉपरेट करते हैं घर में और वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, और इतना ध्यान। मैं तो कहती हूँ सबको रखना चाहिए, ऐसा हस्बैंड सबको मिलना चाहिए। या अपना कोई सामान लाए वो देख रहे हैं। अच्छा ये पापड़ है, ओके। ये पापड़ लेकर आए थे जो मुझे दिखा रहे हैं कि ये भी कुछ नया है, तो ये भी ट्राई करना। चलो करेंगे इसको भी कभी ट्राई। और ये देखिए, ये मॉस्किटो कॉइल में मतलब मच्छर इतने हो रहे हैं कि बस कुछ भी लगा लो। तो ये हमारा सामान है जो अभी आया है, जो तो रह गया था छोटा मोटा सारा। और ये देखिए मैंने साइड में डब्बे भी धो के रखे हुए हैं, क्योंकि ग्रॉसरी का सामान आते ही वो सारे डब्बे वापस धुलते हैं, फिर उसमें सारा सामान जाता है, तो वो मैंने सब कुछ पहले से तैयार रखा था। और ये देखिए यहाँ मैं डब्बों को फिल करते हुए। अच्छा ये जो पैकेट मिलते हैं ना पतंजलि के या किसी, इनके ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे अभी ये मैं छोले हैं तो उसके ऊपर छोले लिखा हुआ था, तो इन्हें ना चूज़ करना बड़ा आसान होता है। फटाफट जाओ पैकेट में लिखा होता है, जल्दी जल्दी उठाओ और ले आओ, ढूंढना नहीं पड़ता। और इतने अच्छी तरीके से लगे होते हैं पूरा। ये देख मैंने सब भर दिया डब्बों में, सारी दालें, छोले। और कितना इजी हो गया, डब्बे पहले से धुले हुए रखे हुए थे वो सूख गए तब तक, और मैंने सारा अपना ग्रॉसरी का सामान भर दिया उसमें, सारी दालें और सारे मसाले। ये देखिए अब सारी चीज़ें तो मैं भर के दिखाऊंगी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। आप लोग भी ये सब करते होंगे, तो ये तो मेरा रोज़ का ही है। मतलब ये मेरा जो व्लॉग है या किसी का भी व्लॉग है, हम ये सब उसमें वही लम्हे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जो हम रोज़ करते हैं काम। ये देखिए, और ये रहे वो कोई नहीं गोलगप्पे। बना लेंगे, आज हम बनाएंगे ये वाले गोलगप्पे। ये पता है कौन से गोलगप्पे? ये वही हैं जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ग्रोसरी, उसमें सामान में। तो देखते बना के, ठीक है? देखिए पहले इसमें है क्या। ये है गोलगप्पे, इसको फ्राई करना पड़ेगा तभी गोल गोलगप्पे बनेंगे। इसमें है एक ये पुदीना पानी, एक पैकेट पुदीना पानी का है, और एक ये लहसुन पानी, और एक इसमें है ये खट्टा मीठा पानी। मतलब तीन तरीके के इसमें पानी है। और ये है खजूर की इमली, और खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी जो सौंठ होती है, ये वो है। तो चलिए बनाते हैं फिर इसको, ठीक है? पहले हम बनाते हैं पानी बना लेते हैं पहले। तो कौन सा बनाऊं पानी पहले मैं? तो ये इसमें से हम बनाते हैं पुदीना, पुदीना वाला बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, ठीक है? और ये मेरे पास थोड़ी सी पहले की थोड़ी बहुत पुदीना और उसकी धनिया की चटनी पड़ी थी, इसको भी मिला लेते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए एक तो ये ठंडा करने के लिए बर्फ, और चाहिए इसके लिए ठंडा ठंडा पानी।
कौन करते, देखते हैं कैसे बनते हैं। डाल तो दिया, अभी थोड़ी बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैंने पहले कभी बनाया नहीं है ऐसा। चेक करते हैं, अरे वाह फूल तो गए। ये देखिए ये देखिए बन रहे ना अच्छे। आप में से कुछ लोग ये सोचोगे कि मैं ऐसी काली कढ़ाई में क्यों बनाती हूँ। एक्चुअली मेरी ये तलने वाली कढ़ाई है और ज्यादातर मैं जो चीजें जो तलती हूँ, पूरी जो भी है, समोसे वोसे जो भी बनाती हूँ, मैं सारा तलने का वो इसी कढ़ाई में बनाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ एक ही हो जाए काली तो बहुत है, वरना फिर तो सब ऑयली और काली 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 हो जाती है ना, इसलिए भी इसमें बनाती हूँ। ये आलू उबला हुआ, आलू और चने मिलते हैं ना उसके साथ, ये भी मैंने बनाया है। जब गोलगप्पे खा रहे हैं तो फिर अच्छी तरीके से खाएं ना, प्रॉपरली जैसे खाते हैं। ये मैंने, ये देखिए ये मैंने तले, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये तल के ऐसे हुए, अच्छे लग रहे हैं ना। और ये रही सौंठ चटनी, और ये रहा हमारा पानी। तो चलिए खाते हैं। खा के देखो, पानी ले लो। हम लोग तो खा चुके हैं, बच्चे भी खा चुके हैं, मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं उनको कैसा लगेगा। अरे चम्मच में क्यों ले रहे हो, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, हाथ लगा लो। हाँ ऐसे लगा लो, वैसे पता है मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, बाहर हम लोग जाते हैं ना गोलगप्पे, हमें खिला देते हैं, खुद नहीं खाते। वेरी टेस्टी। अच्छा है पानी, ठीक है, अच्छा लगा ना, उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही इतना अच्छा लगा, मुंह में गोलगप्पे फंस गया, आवाज नहीं निकल रही। पानी अच्छा है, पानी अच्छा है। और सौंठ, सौंठ तो बहुत बढ़िया है, अच्छी लग रही है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बहुत यम है, बहुत टेस्टी है, पानी बहुत ही अच्छा है, चटपटा, और उसकी चटनी जो है बहुत ही अच्छी है, खट्टी मीठी, बहुत अच्छी लगी मुझे तो, बहुत अच्छी लगी। आप भी ट्राई करिए, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया है ये रेडीमेड गोलगप्पा। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है पाउडर से, और इसका मतलब दो चीज़ें तो इसकी पाउडर की है, पानी और सौंठ, बाकी गोलगप्पा तो मैंने तला है। लेकिन मुश्किल से मुझे सिर्फ 10-15 मिनट लगे हैं इन सब चीज़ों को तैयार करने में, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ, और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और बस मेरी तो यही दुआ है कि खुश रहिए अपने लिए अपनों के साथ, मुस्कुराते रहिए अपने लिए अपनों के साथ। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बनी रहिए मेरे साथ।